नाथम परेशपूर्णम सततम नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय दाता सर्वस्वपाता मम सिंधु दाता विज्ञान दाता निर्धर्म दाता दिनेक बंधु शरणम प्रपद्ये मंगल कृष्ण प्रणाम हे मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हे मंगल धाम उदास मंगल सुंदर साथ हे मंगल धाम उदास महाराजा सर्वसुंदर आज यहाँ मानसरोवर में पुनः आने का और आप सबसे मिलने का सुयोग उपस्थित हुआ। गीता कथा में संलग्न बहन सुमन जी और सभी बहनें और हमारे पंचायत के प्रधान जी श्री विजय जी, विश्व परिषद के महासचिव विजय तनेजा जी, धर्म प्रचारक राजीव जी और यहाँ के मानसरोवर के समस्त धर्म प्रमाण श्री सुंदर साहब जी, हमारे राजेश जी, इनसे बातें होती रहती है समय समय पर और आप सभी गणमान्य इस दीपक में सम्मिलित होकर के श्री राज्य के करीब होने का जो अनुभव कर रहे हैं सभी को कोटि कोटि करवता। देखिए प्राणनाथ जी महाराज का समय बड़ा अब तो समय सुविधा का समय है, चलने में और विचार करने में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बंगला जी में प्राणनाथ जी बोलते हुए तो माइक की व्यवस्था भी नहीं थी ना। रात को 9 बजे से 12 बजे तक चर्चा होती थी बिना माइक के कैसे बोलते होंगे। हम लोग तो 1 घंटा बिना माइक के बोलने से थक जाते हैं और रोज वो भी एक दिन नहीं, 11 साल तक पन्ना में रहे तो रोज ही चर्चा होती रही ना। बाणी भी उतरती रही, बाणी के अधिकांश ग्रंथों का अवतरण पन्ना में ही हुआ। खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, केवल एक क्यामत नामा चित्रकूट में अवतरण हुआ। क्योंकि इतनी सारी वाणी का अवतरण करना, सबसे बातें करना, क्योंकि कभी कभी लगता है कि गुरु बनना बड़ा सरल है पर गुरु बनकर के चलना बहुत कठिन होता है। एक एक का प्रणाम स्वीकार करना पड़ेगा। आप प्रणाम प्रणाम बोल के 100 बार बोलोगे ना तो आपका गला ही सूख जाएगा। आप खुद करके देखना है ना, और उसके बाद सबकी समस्या सुनना, सबको प्रवचन देना, धर्म का मार्ग बताना, बाहर के विद्वानों से शास्त्रार्थ करना, राजनेताओं के साथ कैसे उनको धर्मनीति बनाना, ये परिपाटी तैयार करना, कितना कठिन कार्य था। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसको सरल से सरल, आसान से आसान, उन्होंने तो इतना तक कहा कि हंसते खेलते नाचते चलिए, जागने की यात्रा में रोते हुए बिलखते हुए परेशान होते हुए चलने की जरूरत नहीं, हंसते हुए नाचते हुए गाते हुए आनंद उत्सव मनाते हुए। एक सुख तो परम धाम का है ना, परम धाम का सुख तो परम धाम में ही है, पर जगत में भी परम धाम का सुख उतारना, जगत में भी परम धाम की तरह व्यवहार करना, जगत में भी परम धाम का प्रेम उतारना। श्री देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी में क्या किया, प्रेम सेवा बाले प्रकट की भी ब्रज तहनी आवारा। श्री जी कहते हैं ना, जब नौतनपुरी की स्थापना हुई तो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी में उतारा।
वैसा ही प्रेम, वैसा ही भाव, वैसी सेवा, वैसे भक्ति, वैसी लगनशीलता नवतनपुरी से उन्होंने प्रारंभ किया। तो हमारा दीपक सुनने का मकसद परम धाम जाना है, केवल ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। श्री राज्य ने हमें संसार में भेजा है तो संसार के लोगों को भी परम धाम का अनुभव कराना, संसार के लोगों को भी एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान देना और संसार में भी परम धाम का वातावरण तैयार करना। जब जाएंगे तब तो जाएंगे न, और तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही निज नाम का जाप किया, एक ही इष्ट को बजाए तो कहीं हम भटकेंगे नहीं। जिन्होंने जीवन में औरों को भी बजाए उसके लिए थोड़ा डर रहेगा, हमें तो बचपन से एक ही मार्ग मिला ना, एक ही ज्ञान, एक ही मार्ग, एक ही तत्व, एक ही राज्य का आश्रय, और कोई आश्रय नहीं। आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा, कोई सब विगति आदि समर्थ बिन रहिन जात, एक ही आश्रय राज्य का आश्रय। इसलिए परम धाम नहीं मिलेगा ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए, मिलेगा जरूर मिलेगा, मिलकर रहेगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। मिलेगा इसलिए ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ पहले से प्रणाम संस्कार था, मिलेगा इसलिए ऐसे गुरु मिले कि जिन्होंने फिर से हमें और जागृत किया, या मिलेगा इसलिए कि हमारे दिल में भी राज्य के प्रति प्रेम है, भाव है, लगन है, भक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर सोई सुहागिन धाम में जो कर से इत रोशन कहते, परम धाम में सुहागिन इसको कहा जाएगा जो यहाँ प्रकाश दिखाए। यहाँ प्रकाश की जरूरत है, परम धाम में प्रकाश की जरूरत नहीं है। एक प्रभात में कहते हैं, मैं बर मांगू श्री धाम धनी जिसो, मैं बर मांगू धाम सेवा सात शरण सतगुरु को सुवीरन को निजना। ये तीन चीजें परम धाम में नहीं मिलती है, परम धाम में सब कुछ है पर तीन चीजें यही मिलती है, सेवा साथ। हम बने इतने सुंदर साथ की सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, वचन से करें। हम लोग गुरुजन होते हैं तो वचन से सेवा करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें सुना करके, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, ये भी तो सेवा है ना। इससे आपका मन बदल जाएगा, इससे आपके मन में कुछ करने की एक जागृति आएगी। तो हम लोगों को प्रवचन सुनाना ये भी एक सेवा का कार्य है। और जो लोग तन से सेवा कर सकते हैं, खट सकते हैं मेलों में, भंडारे में, वो तन से खटें, सुंदर साथ को खिलाकर खाने की भावना हो, उसको सेवा कहा जाता है। सब में तृप्ति आ जाए फिर हम करें। जैसे घर में माँ का काम होता है ना, माँ क्या करती है कि सबको बांटती है, फिर मेहमान आए तो उनको भी बांट देती है, फिर बर्तन में जो बचे तो खा लेती है, नहीं बचे तो भी संतुष्टि कर लेती है ना, क्योंकि उनको खिलाने में आनंद आया, खिलाने में पेट भर गया, खाने की जरूरत नहीं पड़ी, खिलाते खिलाते इतना आनंद आया कि अंदर से तृप्ति हो गई। तो ऐसे ही हम सेवा करें सुंदर साहब की। और मन की सेवा क्या है, मन से सदा भला सोचना, मन से अच्छा सोचना, मन से किसी का बुरा हो जाए ये न सोचना। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, मन से मेरे को कष्ट दिया है तो उसको भी कष्ट होना चाहिए, ये सोचते हैं ना। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई दे तो कसला तुमको, तुम भला चाहिए तुम्हें। कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात है। राजनीति में ये कोई नहीं सोचता है, राजनीति में तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ना, ईंट का जवाब पत्थर से, है ना। राजनीति में तो जैसे गांधी जी ने कहा, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल उसके सामने करो, पर सब नेता आज मानते नहीं मानते हैं, क्योंकि गांधी जी तो
वो बहुत ज्ञानी थे और प्रणामी संस्कार भी था उनके जीवन में। तो इसका अर्थ हम कमज़ोर बने ये बात भी नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि हम कमज़ोर हैं ऐसी बात नहीं, फकत से अपने बल और पराक्रम भी दिखाना चाहिए, पर हम विनम्र बने, अहंकार न दिखाएं, सदा सरल बने। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव कहीं भी एडजस्ट हो सकता है ना, एडजस्टेबल होना चाहिए हम लोगों को। कठिन स्वभाव होगा तो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकते, यात्रा में नहीं हो सकते, सत्संग में नहीं हो सकते, कहीं मीटिंग में नहीं हो सकते, कहीं कोई मंडली में नहीं हो सकते, कहीं एडजस्टमेंट हमारा होगा ही नहीं। और सरल स्वभाव होगा तो थोड़ी सी जगह मिली तो भी ठीक है, और मान मिले तो ठीक, अपमान हो तो भी कोई अपमान का उसको कोई बोध ही नहीं होता है, वो हर चीज में समझदारी से काम लेता है। तो ऐसे मन की सेवा, धन की सेवा तो है आप जानते ही हैं, उसे विशेष व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो सेवा करने का क्षेत्र संसार है, कितना बने हम सेवा करें, क्योंकि सेवा करने से और सेवा करने का मन होता है और सेवा करने की शक्ति राज्य भी देते हैं। नहीं करने से घर बैठे रहोगे, करने से राज्य आपको और प्रेरणा देते रहेंगे और मार्ग निर्देश करते रहेंगे। सेवा साथ शरण सतगुरु को, गुरु की शरणागति आप देखिए, गुरु के पास बसना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि गुरु कौन है? एक परमात्मा ही किसी को प्रेरणा दे करके उस पद तक पहुंचाते हैं ना। कोई सोचे कि हम गुरु बने, पर राज्य जिसको कहाँ से उठा करके कहाँ बैठा देते हैं, क्यों मेरा बुद्ध पर भाई ऐसे दिल में शक नहीं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक कहते हैं ना। इसलिए ऐसे महान ज्ञानी गुरु की शरणागति लेना और सुनी रहने को निज नाम का जाप जितना बने हम करें, ये संसार में परम धाम से भी एक लाभ संसार में हमको जो मिल रहा है उसका आनंद हम लोग उठाए। तो देखिए प्राणनाथ जी महाराज ने उस समय के सुंदर साहब को ये सब लाभ उठाने का मौका दिया, और जिन्होंने लाभ नहीं लिया, जिन सद सेवा के नहीं ना कुछ समझे बात सोए काहे को गिनाबे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फिर दौड़ पड़े सब खेत में यूं लगे दुख देना। कुछ ना समझ लोग थे तो श्री जी को भी कभी कभी दुख होता था, समझदार लोग श्री जी को आनंद देते थे, श्री जी के जीवन में जो है ये जागनी यात्रा को सफल करने के लिए और उत्साह बढ़े ऐसे सेवा करके दिखाते थे। तो देखिए उस समय तो जान मोहम्मद आए, नूर मोहम्मद आए, कितने आए ना, आज नहीं आते हैं। तब समय इतना विरोध का नहीं था, क्योंकि जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ ना, विरोध बड़ा ज्यादा, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ ना, तब धर्म के नाम पे इतना विरोध नहीं था श्री जी के समय में, इसलिए सुनने आते थे, फकीरों को मानते थे। मैंने सुना कि बाबा दयाराम साहब का मेला लगता था तो पानी भरते थे, उस समय करते थे, पर अब धार्मिक कट्टरता बढ़ गई। अब हम कितना ही बोलेंगे तो भी वो लोग नहीं सुनेंगे, ऐसी स्थिति आज आ गई है। पर हम तो प्रेम की बात, सद्भाव की बात, सर्वधर्म समभाव की बात, सर्वधर्म समदृष्टि की बात और श्री प्राणनाथ जी महाराज के सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। और आज भी हमारा उद्देश्य है कि प्राणनाथ जी का सिद्धांत है विश्व में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में किसी दिन कायम होगा, क्योंकि एक तरफा होकर के कभी विश्व विजयी कोई बन नहीं सकता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है और सबके विचारों को समेट करके जो चलता है। सुख से तल करूं संसार, यही विचारधाराएं विश्व में प्रतिष्ठित होगी कोई न कोई दिन, ऐसा समय भी आएगा। क्योंकि श्री जी महाराज ने कहा है कि पसरसी चौदह भवन, एक न एक दिन ये चौदह लोक में फैलेगा, एक दिन लोग इस ज्ञान से अभिभूत होकर के लोग इसके आश्रय में आएंगे। जो धार्मिक होंगे वो तो आएंगे, अधार्मिक लोगों को तो कोई लेन देन नहीं है, सड़क पे चलने वाले सब नहीं आएंगे, पर धार्मिक लोगों में ये बात एक न एक दिन बचेगी। तो आज यहाँ आकर के बड़ा आनंद हुआ और आज आने का कारण आप लोग प्राय समझ ही गए होंगे। आज मुझे चार बीतक में जाने का मौका मिला,
मंदिर में तो है, बड़े मंदिर में हम लोग जवाहर नगर भी गए और देवी जी के मंदिर में भी गए और यहाँ भी हम लोग आए, चार जगह। मैं सोचा मैं खुद दीपक करता तो चार चार जगह दीपक सुनने का या देखने का, वहाँ सुंदर साथ कैसे बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो अनुभव नहीं मिलता। तो इस वर्ष महामते प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी वर्ष चल रहा है और हम लोग अब तक 185 जगह कार्यक्रम कर चुके हैं, 10 जगह विदेश में। विदेश में हम लोगों ने कतार में किया, देखिए कतार में परमिशन ही नहीं दिया वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री में और धर्म का कार्यक्रम करने के लिए वो लोग इजाज़त नहीं देते। तो हमारे कतार में रहने वाले सुंदर साथ ने क्या किया, पेन क्रूज, पेन जहाज वो लोगों ने तैयार किया और वहाँ पर 150-150 सुंदर साथ बिठा करके ले गए और समुद्र के बीच में ले जा करके तीनों क्रूज को जोड़ा, रस्सी से बांधा और ऊपर छत में माइक लगा करके मंच बना करके बढ़िया से कार्यक्रम किया। समुद्र तो किसी का होता नहीं है ना, समुद्र किसी की सीमा में नहीं आता है, वहाँ कितना ही जयकारे लगाओ, नाचो गाओ, आनंद उत्सव हुआ। चतुर्थ शताब्दी महोत्सव प्राणीनाथ जी ने भी तो जल यात्रा की थी, हम लोगों ने वही समझा, जल की यात्रा हम लोगों ने की। स्थल यात्रा में हम लोग 32,000 किलोमीटर रथ लेकर के चले, अभी मई तक हम लोग, मई के लास्ट जून 1 तारीख तक हम रथ चलाते रहे, फिर इतने प्रचंड गर्मी हो गई, मैंने कहा श्री जी महाराज को इतनी गर्मी में नहीं लेके चलना चाहिए, फिर हम लोगों ने अभी विश्राम कराया है। इसके बाद तुरंत दीपक का समय आ गया, सुंदर साथ दीपक में व्यस्त रहेंगे, दीपक के तुरंत बाद अभी दिल्ली का मेला आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगह कार्यक्रम किए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के साथ दिल्ली में हमारा चतुर्थ शताब्दी का मेला आ रहा है 18 से 23 सितंबर तक, और वहाँ पर 400 पारायण होंगे, 50,000 ये जो है स्क्वायर फीट का एसी टेंट हम लोगों ने बुक किया है, तैयार हो रहा है अभी, वो भी राज्य के पारायण के लिए तैयार हो रहा है, बाद में तो अपना बिजनेस करेगा जो बना रहा है, पर एक नया टेंट हम लोगों के लिए तैयार कर रहा है, इसका ओपनिंग ही हमारे कार्यक्रम से होगा। एक तरफ पारायण, एक तरफ प्रवचन, एक तरफ भंडारा, एक ही टेंट में राजौरी गार्डन में सुंदर कार्यक्रम होगा। और उसके बाद हम लोग 23 तारीख को जुलूस के साथ छत्रसाल स्टेडियम जाएंगे और वहाँ पर हम लोगों का कार्यक्रम करीब दिन के 2 बजे से रात के 9 बजे तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और एक बनारस के टॉप लेवल के ड्रामा टीम को हम लोगों ने छत्रसाल प्राणनाथ मिलाप का एक सुंदर ड्रामा लिख करके दिया है, वो लोग वहाँ पर ड्रामा दिखाएंगे और नेता लोग भी आएंगे। सब नेताओं को हमने चिट्ठी भेज दिया, आमंत्रण दिया है, अभी तो आश्वासन दे रहे हैं हाँ 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 बहुत समय है, बोलते हैं जो आएगा उस समय तक जिसका तकदीर होगा वो आएगा। हम लोगों का काम है बुलाना, सबको बुलाया हम लोगों ने, तो आप सब जयपुर के सुंदर साथ, मानसरोवर के सुंदर साथ भी जरूर पधारें। जिनको पारायण पढ़ना है तो हमारे जीएल जी को या एच के लाहूजा जी को हम आप लोग लिखवाएं, पारायण पढ़ने वाले के लिए वहाँ पर व्यवस्था है, एक धर्मशाला हम लोगों ने बुक किया है। बाकी जो सुंदर साथ 6 दिन रहना चाहेंगे, कुछ सशुल्क, क्योंकि दिल्ली में फ्री कुछ होता नहीं, मंदिर में केवल 200 लोगों के लिए व्यवस्था है, इसलिए सशुल्क हम लोगों ने वहाँ पर धर्मशाला है, होटल है, सब हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने बुक किया जा सकता है, आप लोगों के जैसे सुझाव होगा उस हिसाब से कोई वहाँ पर 6 दिन आना चाहे स्वागत है, नहीं तो 2 दिन 1 दिन जितना भी समय मिले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को आप लोग जरूर देखें और कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएं, अपने जीवन को भी धन धन बनाएं। और जो सुंदर साथ पारायण देना चाहेंगे, 5,100 हम लोगों ने पारायण का निछावर रखा हुआ है, आप लोग दे सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने हमारे विजय जी हैं और प्राण तनेजा जी हैं, उनके पास हम लोगों ने एक रसीद बुक छोड़ा है और आप सब लोग उसमें सेवा दे सकते हैं। जो लोग पारायण के अतिरिक्त ऐसे ही सेवा देना चाहेंगे तो भी आप लोगों का सेवा स्वीकार किया जाएगा। ऐसे हमारे तीर्थों में, हमारे क्षेत्रीय स्तर में बहुत जगह पारायण और कार्यक्रम ये साल चल रहे हैं, ये साल ही मेलों का साल हो गया प्राणनाथ जी का, क्योंकि ऐसे मेले देखने के लिए और ऐसे मेले का आयोजन करने के लिए 100 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। तो हमारा कितना बड़ा भाग कि हम लोगों के जमाने में वो मेला आया ना, अब हम गर्व से कह सकते हैं ना, चतुर्थ शताब्दी मेला हमने देखा,
कहते हैं ना परम धाम में सिर झुक जाता है ना, जो जागा हुआ नहीं है तो उसका सिर झुक जाता है। तो राजी महाराज परम धाम में पूछेंगे, हमको याद किया, हाँ जी आपको याद किया, इतना याद किया कि आपका 400वां मेला भी हम लोगों ने मनाया। तो राजी फिर समझेंगे हाँ ये बुला हुआ नहीं है, जरूर ये जाग रहा है। तो ऐसे कार्य सुंदर सुंदर हमें करते चलना है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि कल मिलाप का कार्यक्रम है, शक्तिनगर मंदिर में जाने का हमने सोचा है, तो अभी रात को ही हमको निकल जाना है। एक दिन के लिए आप सबको आमंत्रण देने आए, कल फिर दिल्ली में शक्तिनगर में प्राणनाथ जी और सतसाल मिलाप का सुबह सुबह 7:30 से 9 में होता है वहाँ पर, उसमें सम्मिलित रहेंगे। फिर उसके बाद कालिम्पोंग जाएंगे जन्माष्टमी करने के लिए, बीतक पूर्णावती के लिए, फिर दिल्ली आकर के डटेंगे। ये साल तो हमने कालिम्पोंग की जिम्मेदारी और हमारे असिस्टेंट है उनको सौंप करके मैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में लगा हूँ। हम लोगों ने अमेरिका में, कनाडा में, यूके में सब मेले किए, अभी सिंगापुर में, दुबई में, मस्कत में, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मेला करने जा रहे हैं। राज्य की कृपा से सारे इंटरनेशनल मेले हमारे सार्थक हो और दिल्ली का मेला भी सार्थक हो। आप लोगों ने जयपुर में किया था तब भी मुझे आने का उस समय भी मौका मिला था, रथ यात्रा में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए, और ये हमारी बहनें बेटियां छोटी छोटी, बचपन से मैंने इन लोगों को देखा है, आज भी तक करते हुए देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आगे बढ़े, और आप सब लोग भी केवल श्रोता न बने, कुछ न कुछ आप भी जानकारी लेकर के औरों को सुनाने की क्षमता आप लोग भी रखें, तो भी तक सुनने का हमारा उद्देश्य साकार होगा। इन शब्दों के साथ मेरे प्रवचन को विराम दें। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम।